हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इटावा से वैकेंसी है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में। बिना परीक्षा के आप यहां शिक्षक बन सकते हैं। कोई इंटरव्यू या कोई परीक्षा आपकी नहीं होगी, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन रहेगा। यदि आप लोगों ने स्नातक किया है, बीएड आपने कर रखा है और आपने किसी भी राज्य का टेट क्लियर किया है या फिर आपने सी टेट क्लियर किया है तो आप यहां पर आवेदन कर पाएंगे। आप किसी भी राज्य से संबंधित हैं, क्वालिफिकेशन है तो बिल्कुल आप लोग आवेदन करें। निःशुल्क आवेदन करना होगा, यहां कोई भी फीस भी नहीं लगेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो है वो जॉब लग चुकी है क्योंकि पूरा साल ही जो है हमने देखा कि हर राज्य से जो है वैकेंसी आई है कस्तूरबा विद्यालय से। ठीक है, तो ऐसी जो अपॉर्चुनिटी होती है बिल्कुल भी मिस ना करें। जो भी कैंडिडेट जॉब सर्च करते हैं और शिक्षक बनना चाहते हैं तो बिल्कुल यहां पर आवेदन कर सकते हैं। यदि आपका सब्जेक्ट है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इटावा से वैकेंसी है। मेन वेबसाइट से ही मैंने इसे डाउनलोड किया है और यहां पर आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिलता है और लास्ट में यहां आवेदन पत्र भी जो है आप लोगों को मिल जाएगा। कैसे आवेदन करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी है, आयु योग्यता, सारी चीजें हम देख लेते हैं। तो यहां पर जो है आप देखें, पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विषय की वैकेंसी है और यहां पर जो कंडीशन कही गई है कि अगर आपने भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र किसी भी एक विषय से ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, और साथ में आपके पास बीएड है, टेट क्वालिफाई है किसी भी राज्य का या सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सी टेट आपका क्वालिफाई है तो बिल्कुल आवेदन करें। 22,000 जो है सैलरी यहां पर आप लोगों को दी जाएगी। अंशकालिक शिक्षिका उर्दू सब्जेक्ट की वैकेंसी है, बीए उर्दू विषय से अगर आपने किया है, बीटी, बीएड या एलटी आपने किया है तो बिल्कुल आवेदन करें और उर्दू के लिए कोई भी टेट सी टेट की जरूरत नहीं। 13,200 जो है यहाँ पर सैलरी है। लेखाकार की वैकेंसी है, जहां पर अगर कॉमर्स वाले जो कैंडिडेट हैं, क्योंकि कॉमर्स वाले कैंडिडेट के लिए बहुत कम ही जो है वो जॉब हमें देखने को मिलती है। स्नातक वाणिज्य विषय और एमएस ऑफिस पर कार्य करने का जो है नॉलेज है तो यहाँ पर 11,000 सैलरी के साथ आपका सिलेक्शन हो सकता है यदि आप आवेदन करते हैं। सहायक रसोईया 8th पास चाहिए, 5,175 यहाँ सैलरी मिलने वाली है। तो ये वैकेंसी जो है इटावा से है और इटावा जो है वो उत्तर प्रदेश में आता है, तो ऐसा मत समझिए कि केवल उत्तर प्रदेश से ही जो है ये वैकेंसी निकाली जाती है। कस्तूरबा विद्यालय पूरे भारत में हर जगह से वैकेंसी आती है। पहले छत्तीसगढ़ से आई, झारखंड से आई, राजस्थान में पहले आई और उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में जो है पूरा साल भर जो है वो आती रही। जैसे जैसे जो है रिक्तियों की संख्या पता लगती जाती है वैसे ही वैकेंसी निकाली जाती है। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है वो मैंने आपको बताई है। न्यूनतम आयु योग्यता क्या रहेगी कि 21 से लेकर जो है 45 वर्ष तक के जो कैंडिडेट हैं आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है पूर्णकालिक शिक्षिका उर्दू शिक्षिका लेखाकार के पद चयन सीधे मेरिट के आधार पर रहेगा, नो एग्जाम नो इंटरव्यू। तो ये जो है वो मेन वेबसाइट का जो है वो लिंक है और जिसे आप लोग जो है अगर यहाँ पर नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। बाकी जो है मैं आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो है लिंक जरूर दूंगी ताकि आप लोग पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकें, आवेदन कैसे करना है, सारी चीज़ें और भी डिटेल में जान सकें। तो यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है 30 दिसंबर 2023 को 5 बजे तक ही जो है आप आवेदन कर सकते हैं, तो अभी आपके पास समय है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी माल गोदाम रोड इटावा, पिन कोड 206001। केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट ही करना होगा। ठीक है, आवेदन पत्र के साथ अपनी 2 स्व प्रमाणित फोटो, जितने भी आपके शैक्षिक अंक पत्र हैं, प्रमाण पत्र हैं, अगर अनुभव है तो लगाए, नहीं है तो यहाँ पर कोई कंपलसरी नहीं है। सामान्य निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राजपत्रित अधिकारियों द्वारा 2 चरित्र प्रमाण पत्र। अब यहाँ पर केवल टेट क्वालिफाई जो है वो मांगे हैं, इसका मतलब ये है कि आप किसी भी राज्य के हैं, आप बिल्कुल आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अगर इनको अच्छे कैंडिडेट नहीं मिलते हैं इटावा में तो ये अदर स्टेट के कैंडिडेट को जो है वो बिल्कुल लेंगे। तो उसके बाद जो है ये आवेदन पत्र है। अभी आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा तो ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो बिल्कुल जो है फ्रेश नोटिफिकेशन है जो कि 6 दिसंबर को जारी किया गया है। अगर आप इटावा की मेन वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फुल टाइम टीचर्स, ठीक है, पूर्ण कालिका शिक्षिका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय इटावा के लिए। ठीक है, तो यहाँ एंडिंग डेट जो है वो आप देख लें, 30 दिसंबर है और यहाँ पर लिखा है फाइल व्यू, तो इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। डाउनलोड भी कर सकते हैं,
और जब आप आवेदन पत्र को अगर आपको डाउनलोड करना है तो ये लिंक बना हुआ है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। केवल देखना चाहते हैं तो यहाँ व्यू पर आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये संपूर्ण जानकारी, यदि कोई भी कैंडिडेट इटावा का है या फिर इसके आसपास का है या अदर स्टेट का भी है और उसका सब्जेक्ट है, और हो सकता है जो आपका नंबर आ जाए अगर यहाँ इनको कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, तो बिल्कुल आवेदन करें, निःशुल्क है, कोई भी आपकी फीस यहाँ नहीं लग रही है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।